गुड इवनिंग बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक है टॉप फिफ्टी करंट अफेयर मार्च गुड इवनिंग सब लोग आ गए गुड इवनिंग लाडली सब लोगों ने फॉर्म भर दिया फॉर्म उसको भर दीजिएगा जिससे कि आप लोग को एकट एनालिस मिले एग्जाम का और एकट कट ऑफ भी पता चले आपको एग्जाम का तो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है क्योंकि आप ही लोग बताएंगे पेपर कैसा आया था मार्च का एक और वीडियो आएगा टॉप फिफ्टी का ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल प्रोटीन डे आप लोग भी साथ साथ में जवाब देते चलेंगे तो कह रहा है क्या कि किस दिन नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है आपका ऑप्शन है ये 28 फरवरी 25 फरवरी 26 फरवरी 27 फरवरी चलिए जल्दी से आंसर दीजिए और बताइएगा आज ये साउंड नहीं ना आ रहा है पच्चीस फरवरी पच्चीस फरवरी चलिए तो सही आंसर है सत्ताईस फरवरी ठीक है सत्ताईस फरवरी को क्या मनाया जाता है नेशनल प्रोटीन डे अगला क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है जी ट्वेंटी सबमिट द जी ट्वेंटी सबमिट ट्वेंटी ट्वेंटी वन विल बी विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट जी ट्वेंटी सबमिट का केमा एडिशन है चलिए ऑप्शन है आपका बारवा चौदमा पंद्रह सोलह फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग पंद्रहवा पंद्रह चौदह आ रहा है सोलवा भी आ रहा है बारवा भी आ रहा है तब तो ही रहा है तो इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल सही लाडली कुमार आ, कुमारी सॉरी सोलमा एडिशन है क्या जी ट्वेंटी का सोलमा एडिशन होगा कब होगा 2021 में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जी ट्वेंटी का समिट कहाँ होने वाला है जल्दी से कमेंट कीजिए ये हम बता चुके हैं अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द सरस आजीविका मेला 2021 एट नोएडा हार्ट नोएडा हार्ट में जो सरस आजीविका मेला 2021 ऑर्गेनाइज किया गया वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था तो ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ आर डी दोनों कौन है नरेंद्र तोमर नरेंद्र तोमर ठीक है जल शक्ति कौन है जल्दी से बताएं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन हर्षवर्धन और ये चांदनी चौक दिल्ली से ठीक है चांदनी चौक दिल्ली से संसदीय क्षेत्र है इनका और यही हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं स्वास्थ्य मंत्री ठीक है गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बढ़िया जल शक्ति हमारे कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत और आंसर हमारा कौन होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ठीक है रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया क्या ऑर्गेनाइज किया सरस आजीविका मेला ट्वेंटी ट्वेंटी वन एट नोएडा हार्ट में अगला क्वेश्चन है आप लोग का हीरो इंडियन वोमेन्स लीग हीरो इंडियन हीरो इंडियंस वोमेंस लीग का ट्वेंटी एडिशन ये होस्ट किस राज्य में बताइए विच स्टेट ऑप्शन है आपका किस स्टेट में होगा हीरो इंडियन वोमेन्स लीग ट्वेंटी ट्वेंटी वन बिहार यूपी मध्य प्रदेश उड़ीसा उड़ीसा आया है उड़ीसा आया है उड़ीसा आया है उड़ीसा आया, है, आया, है, आया है, बहुत बढ़िया चलिए तो आंसर क्या है इसका उड़ीसा में होगा ठीक है बिहार में नीतीश कुमार और जल्दी से बताइए बिहार में एक पहली डिप्टी सीएम पहली डिप्टी सीएम बनी है क्या नाम है उनका महिला बनी है दो से डिप्टी सीएम बने हैं एक महिला बनी है जल्दी से नाम बताइए यूपी में आपका योगी आदित्यनाथ और बेन आनंदी एम एमपी में भी आनंदी बेन और शिवराज सिंह चौहान उड़ीसा का बताइए उड़ीसा का सीएम और गवर्नर जल्दी से आप लोग बताइए उड़ीसा का सीएम गवर्नर रेणु देवी बहुत बढ़िया उड़ीसा का सीएम गवर्नर भी बता दीजिए हु एमोंग द फॉलोइंग हैजवी ने लिखा है एक बुक जिसका नाम क्या है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस और आपका ऑप्शन है विनोद गुप्ता रोहन जामवाल विक्रम राना चलिए अनिंद दत्ता गणेशी लाल बफरिंग हो रहा है सबको बफरिंग हो रहा है नवीन पटनायक बहुत बढ़िया सब लोग सेशन को लाइक कर दिए सेशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से बताइए डी 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 सबका डी आ रहा है सबका डी आ रहा है बहुत बढ़िया आप लोग पढ़े हैं तो आंसर क्या होगा इसका दत्ता ठीक है ए दत्ता चलिए अगला है आपका क्वेश्चन आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नोटिफाई इट हैज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ, 1934. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस पेमेंट बैंक का आपको नाम बताना है जिसको सेकेंड शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल किसके आर बी आई एक्ट के नाइनटीन थर्टी फोर के सेकेंड शेड्यूल में डाल दिया है और वह बैंक का दर्जा उसको मिल गया है आपको तो ऐसा ही नाम पता होगा जल्दी से नाम बताइए बिना ऑप्शन का जल्दी से बताइए एक पेमेंट बैंक था सी आई एस आई का क्या पूरा मैथिक अर्थमेटिकल हो जाएगा निश्चिंत रहिए वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं उसको लेके चलेंगे सबका फिनो आ रहा है फेडरल फेडरल नहीं फेडरल तो ऑप्शन भी नहीं है फिनो है फिनो है फिनो है, है। आरबीआई टेंडेंट में हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आता तो हम कराते नहीं देखिए बैंक में हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी नहीं आता अगर आ गया तो उसमें मेरा गलती नहीं होगा क्योंकि आरबीआई कोई सिलेबस नहीं दिया तो जब बैंक का आई एग्जाम ले रहा है तो आई पी एस का भी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी नहीं देता ठीक है तो उसी बेसिस पे हम तैयारी करवा रहे हैं तो क्या इसका आंसर होगा नो पेमेंट बैंक को आर का आर बी आई एक्ट उन्नीस सौ चौंतीस के से, सेकेंड शेड्यूल में डाल दिया गया चलिए अगला क्वेश्चन है आपको बताना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2021 नेशनल साइंस डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वी तो वी आई क्वेश्चन है इसको दिमाग में आप लोग को रखना है नेशनल साइंस डे का थीम क्या था 2021 का आ, रोने से कुछ नहीं होने वाला जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कुछ नहीं हिस्ट्री सिविक जोग्राफी आने वाला ऑप्शन है।, है आपका साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर द साइंस वोमेन इन साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सन्स्टेबल फ्यूचर फ्यूचर ऑफ द एस टी आई इम्पैक्ट ऑन एडुकेशन स्किल्स एंड वर्क जल्दी से बताइए फ्यूचर ऑफ एस टी आई सर अड्डा वालों ने करंट अफेयर कराया बस स्टेटिक के बारे में कुछ नहीं आता देखिए अब तो फर्स्ट सेटिंग में ही पता चलेगा क्या हम क्या कराए हैं और क्या आएगा फ्यूचर ऑफ एस टी आई सबका आ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया फ्यूचर ऑफ एस टी आई ठीक है इंपैक्ट ऑन एडुकेशन स्किल एंड वर्क ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट अगला है द यूएन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व विच डे तो आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है और ऑप्शन है आपका मार्च दो मार्च तीन मार्च एक मार्च चार नहीं दिख रहा है तीन सौ अस्सी में कर लीजिए फिर एग्ज़ाम के बाद मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ एग्ज़ाम के बीच में लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ हाँ एग्ज़ाम एक, के बीच में कर सकते लेकिन हर क्वेश्चन में करना होगा ठीक है हर क्वेश्चन में करना होगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हर्ष पूछें ये आप थोड़ा सा हम इसको आपको बता दे रहे हैं जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ठीक है तो आपका ये क्वेश्चन आएगा ठीक है यहाँ पे आपका हिंदी रहेगा इंग्लिश रहेगा ठीक है जो हर क्वेश्चन की यहाँ पे एक लैंग्वेज का टैब रहेगा यहाँ आप अगर हिंदी दे रहे हैं तो यहाँ इंग्लिश करने का आएगा लेकिन अगर जो डिफॉल्ट लैंग्वेज आप जो कर लेते हैं पहले आप इंग्लिश कर लिए मान लें डिफल्ट लैंग्वेज में तो इंग्लिश में आएगा और यहाँ पर से आप हर को अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से आप हिंदी कर लेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इंग्लिश हो जाएगा फिर आपको हिंदी करना होगा यानी कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ही रहेगा आपका लेकिन आप चाहते हैं कि कोई कोई क्वेश्चन में हिंदी करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए क्लियर है तो इसका आंसर कब होगा वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है मनाया जाता है ये तीन मार्च को ठीक है चलिए विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड हेयरिंग डे बाई डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ ठीक है डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से ठीक है डब्ल्यू एच ओ के द्वारा वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है कब चलिए बताइए अगर एक आपका है आलोक तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर फिफ्टी फिफ्टी एक्यूरेसी है तो एकदम नहीं करना है कोई कंफ्यूजन नहीं कन्फ्यूजन के लिए हम बैठे हुए हैं जो भी कंफ्यूजन है हमको मैसेज कीजिए हम उसका सॉल्यूशन करेंगे ठीक है बफरिंग हो रहा है लेकिन सबको बफरिंग हो रहा है क्या यहाँ से तो दिक्कत नहीं नेट सही चल रहा है अभी बिल्कुल यही रहेगा इससे भी आसान रहेगा आप देखिएगा फर्स्ट सेटिंग होने दीजिए आपको सब समझ में आ जाएगा चलिए इसका आंसर क्या है कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेयरिंग डे तो इसका वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है तीन मार्च ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम बताना 2021 दो हजार इक्कीस का आ, राधा कृष्णा अगर आप हम पे विश्वास करके आए हैं तो ये विश्वास अगले सात दिन भी रखिए विशाल त्यागी हेलो सर अगर इस चैनल के सारे जी के वीडियोज़ देख लें तो पूरा कवर हो जाएगा हम बार बार बोलते हैं मेरे चैनल का जी के और रात का मेरा क्यूज जो दस से ग्यारह होता है ये दोनों कर लीजिएगा सेवेंटी फाइव परसेंट नंबर कोई नहीं रोकेगा चलिए इसका क्या होगा क्या था थीम तो थीम था फॉरेस्ट एंड होल्ड सनस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच अस्टेट सीएम हैज लॉन्च द घरों की पहचान ठीक है चलिए बताइए कौन सा राज्य सरकार का यह स्कीम है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 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 हाँ रोहित थैंक यू पूछने के लिए लेकिन मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ उसमें बहुत समय लगता है और समय बर्बाद करने के लिए मैं तैयार हूँ आप लोग को अब छः दिन समय नहीं बर्बाद करना आप लोग बस पढ़िए जो भी करना है मैं कर लूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित चलिए इसका क्या आंसर है उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड का सीएम अभी लॉन्च किए हैं घरों की, है, की पहचान अभी नया सीएम बने बने जल्दी से बताइए तो सीएम गवर्नर ये हैं गवर्नर बेबी रानी मौर्य सीएम है तीरथ ठीक है तीरथ रावत ठीक है वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हो रहा है तो इंपॉर्टेंट है तो सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनकर तो ये जहां इलेक्शन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट बिहार का तो बताए थे नीतीश कुमार और दो को डिप्टी गवर्नर बने हैं डिप्टी सी बने सॉरी अगला क्वेश्चन है हु एमोंग द फॉलोइंग हैज द हैज बीन अपॉइंटेड एट द एमडी सी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी एमडी सी ओ अपॉइंट किया गया जल्दी से बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट बैंकिंग का ये क्वेश्चन है सेशन को लाइक कर दी सिक्सटी वन वाचिंग ट्वेंटी एट लाइक फिफ्टी परसेंट हम बना चुके हैं कल के लिए मेरा था फिफ्टी परसेंट बचाया है। देखते हैं जितना बने उतना करेंगे लेकिन कल करना है किसी भी हालत में ठीक है ये कौन बने हैं वेंकट राव याद रखिएगा वेंकट राव विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली एट द सेकेंड खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम इन गुलमर्ग तो यहाँ पूछा जा रहा है उस राज्य या यूटी के बारे में बताइए जो टॉप किया है मेडल टैली जो होता है उसमें टॉप किया है सेकंड खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में ये कहाँ हो रहा था गुलमर्ग में हो रहा था तो बताइए जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जम्मू कश्मीर सबका आ रहा है तो समय क्या बर्बाद करना जम्मू कश्मीर इसका आंसर है ठीक है अभी असम में भी इलेक्शन हो रहा है तो असम के सीएम और गवर्नर जल्दी से बता दीजिए असम में इलेक्शन हो रहा है असम का सीएम और गवर्नर जल्दी बता दीजिए उस बल्लेबाज का नाम बताना जिसने छह छक्का सिक्स सिक्सेस इन एन ओवर ठीक है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टू ए कंप्रहेंसिव फोर विकेट विन अगेंस्ट श्रीलंका ठीक है तो ये वेस्ट इंडीज प्लस श्रीलंका वेस्टइंडीज प्लस श्रीलंका के बीच मैच हो रहा था तो कुछ किस बैट्समैन ने छः छक्का मारा एक ओवर में जल्दी से बताइए कुरान पलाट ठीक है चलिए याद रखिएगा युवराज सिंह के बाद अगर कोई मारा है तो यही है अभी रिसेंट में जो मारा है हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर हु हैव हंड्रेड मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसके सौ मिलियन फॉलोअर हो गए हैं इंस्टाग्राम पे कोहली 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 विराट कोहली विराट कोहली तो समय क्या बर्बाद करना कौन है विराट कोहली व्हाट इज़ द ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी इन द हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 आपको बताना है कि मुकेश अंबानी का रैंक कितना है किसमें ग्लो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 के रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का पोजीशन कितना है इलेवन थर्टीन एट नाइन सेवन जल्दी बताइए ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आर के बाद आपके सामने एस बी आई क्लर्क आपके सामने रीजनल रूरल बैंक का क्लर्क है प्लस पी है बहुत सारे अफसर आपको मिलेंगे चलिए तो क्या है इसका पोजीशन एट पोजीशन है कि इसमें हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में इसलिए दिल नहीं छोटा करना है चलिए बताइए कि किस दिन सेलिब्रेट किया सिक्योरिटी डे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर हर साल ये मनाया जाता है किसके में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑनर में जल्दी से बताइए किस तारीख को एसबीआई का फॉर्म अभी आया नहीं है आएगा ठीक है अभी किसी का ये आने वाला है जल्दी ही आपको अप्रैल मंथ में नजर आएगा नोटिफिकेशन और मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको सारा नोटिफिकेशन तो मिलते हैं ग्रुप में अभी भी जो ग्रुप में नहीं ऐड है वो ग्रुप में ऐड हो जाए बैंकिंग ब्लॉग वन ग्रुप का नाम है तो नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है चार मार्च अब वो विशाल त्यागी उतना समय नहीं है नोट बनाने का वीडियो देखिए रटिए वीडियो देखिए रटिए वीडियो देखिए फिर क्यूज में हिस्सा लीजिए आज इस इसी इसी का कल क्यूज भी हम करा देंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज जी लॉन्च द बिजनेस किस्ट सुरक्षा कवर जल्दी से बताइए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है बिजनेस की सुरक्षा कवर ऑप्शन है आपके पास टाटा ए आई जी एच डी एफ सी एग्रो बजाज एयरलाइंस आईसीआईसी दीपक कलाल देखिए क्या हो रहा है प्रॉब्लम जो नौ से दस जो मैथ प्लस रीजनिंग और इंग्लिश का जो क्यूज होता है ना उसमें हम चैट ऑफ नहीं रख सकते उसके पीछे रीजन है कि उसमें हमको मीडिया ऑन करना पड़ता है क्योंकि आ, बहुत सारे क्वेश्चन में हमको आ, पिक्चर भेजना पड़ता है तो अगर हम चैट ऑफ करेंगे तो आपको मैसेज जाएगा कि कृपया पोल को ऑन करें आप लोग देखते होंगे ऐसा मैसेज आता होगा तो हमको मजबूरी है नौ से दस में चैट ऑन रखना के लिए क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बहुत बड़ा हमको जेपी या रीजनिंग का पजल भी जेपी में भेजना पड़ता है हम दस ग्यारह देखते हैं चैट बंद रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन नौ से दस में मेरा मजबूरी है तो कौन सा आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो यह है एच डी एफ सी इग्रो ठीक है अगला क्वेश्चन हैंडल सैलरी अकाउंट ऑफ पर्सनल रिसेंटली उस बैंक का नाम बताना है जो साइन किया है एक एमओ यू किसके साथ इंडियन आर्मी के साथ क्यों तो हैंडल करेगा सैलरी अकाउंट को ओके ओके कोई बात नहीं ग्रेडअप पे मौक दे दिया आपने रोहित अग्रवाल बहुत अच्छी बात है कोई लेट नहीं बाद में वीडियो देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बंधक 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 कोना कोना कोटक वाह बहुत बढ़िया राधा कृष्ण सबका कोटक ब्लैक स्क्रीन हो गई सर क्या ब्लैक स्क्रीन है क्या प्लीज मैसेज में अगर ब्लैक स्क्रीन हो गया तो ठीक है सबका सही है कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना कोटक ए डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च बाय त्रिपुरा सीएम टू बूस्ट ई गवर्नेंस रिसेंटली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा त्रिपुरा के सीएम के द्वारा तो त्रिपुरा के सीएम भी आप लोग को मालूम होगा जल्दी से बताइए त्रिपुरा के सीएम कौन है टू बूस्ट ई गवर्नेंस रिसेंटली ई गवर्नेंस को बूस्ट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया त्रिपुरा के सीएम ठीक है ने लॉन्च किया है तो कौन सा है ऑप्शन देखिए विप्लव देव बहुत बढ़िया जल्दी से आंसर दीजिए विप्लव विप्लव देव विप्लव देव बिल्कुल सही है ई त्रिपुरा सबका आंसर आ रहा है किसी का ए भी आ रहा है प्लबे गंगा प्रसाद बहुत बढ़िया चलिए क्या है जुगर त्रिपुरा ठीक है अगला क्वेश्चन है हु एमोंग द फॉलोइंग अवार्डेड 30th बिहारी पुरस्कार फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए दो हजार बीस का बिहारी पुरस्कार जो कि तीसवा एडिशन था किसने जीता चलिए ऑप्शन है ये डिजाइन सबको पसंद आ रहा है आवाज बंद कर दी तो अच्छा लग रहा होगा ये डिजाइन अच्छा लग रहा है इसमें प्रॉफिट क्या होता है ना पीडीएफ में आंसर भी चला जाता है इसमें बनाने के लिए हमको तीन घंटा लगा था इसको थ्री आवर मेहनत किए कब तो ऐसा डिजाइन बनाया था बहुत बढ़िया है चार नंबर सबका आ रहा है चलिए क्या है मोहन कृष्णा बोहरा ठीक है मोहन कृष्णा बोहरा को मिला क्या थर्टीथ बिहारी पुरस्कार 2020 के लिए याद रखिएगा 2020 के लिए 2021 के, के लिए नहीं बोल दीजिएगा जस्टिस श्री आयुष्मान सिंह हैज पास अवे ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ दिस स्टेट अभी जो न्यायमूर्ति श्री अंशुमन सिंह अभी जिनका निधन हो गया तो वो फॉर्मर गवर्नर थे किस राज्य के आपका ऑप्शन है ऑप्शन के पहले ही राजस्थान 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 का बाढ़ आ गया है सबका राजस्थान है तो राजस्थान ही होगा आंसर चलिए उत्तराखंड के अभी बता दिए सीएम गवर्नर आप लोग चुके हैं राजस्थान का अशोक गहलोत हम बता देते हैं गवर्नर बताइए जल्दी बताइए गवर्नर मिश्रा 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 कौन मिश्रा कलराज मिश्रा चलिए प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद हैज रिसेंटली लेड अ फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन वर्क ऑफ सिंगोर सिंगोर सिंगोरगर फोर्ट इन वीचर स्टेट देखिए रामनाथ जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ गोविंद वो अभी फाउंडेशन स्टोन मतलब उसका फाउंडेशन नींव रखे हैं ठीक है कंजर्वेशन वर्क जो हो रहा है कहाँ सिंगोरगर के लिए ठीक है सिंगोरगढ़ जो फोर्ट है वहां तो बताना है किस राज्य में ये सारा काम हो रहा है राजस्थान वाले या एमपी वाले बता देंगे एमपी 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 आ रहा है सबका एमपी एमपी जितना लोग वाचिंग कर रहे हैं सबका आंसर आ रहा है मुझे ही क्यों नहीं दिख रहा कुछ ब्लैक स्क्रीन हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पी के राज एक बार रिफ्रेश कीजिए आप आ जाएगा फिर से ऐप को यूट्यूब बंद करके फिर से ऑन कीजिए फिर क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड बढ़ा दीजिए अच्छा ठीक है बढ़ा देते हैं ठीक है एम पी है बीज कंपनी है लॉन्च वोमिन बिल बेब प्लेटफॉर्म वोमेन बिल बेब प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर अमेजन गूगल नमस्कार भूषण पाटिल गूगल 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 कौन है गूगल है सुंदर पचाई सुंदर पचाई याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली द द ऑफ डेडिकेटेड प्रोग्राम नेम स्मार्ट अप उन्नति फॉर मॉनिटरिंग वोमेन एंटरप्रिय आपको बताना है उस बैंक का नाम जिसने अनाउंस किया है एक लॉन्च करेगा डेडिकेटेड प्रोग्राम जिसका नाम होगा स्टार्टअप उन्नति ये क्या करेगा मॉनिटरिंग करेगा वोमन को ऑप्शन है आपके पास ये यस बैंक आईसीआईसी एक्सिस एचडीएफसी देना एच सी चलिए टैगलाइन बताइए ये सर अब दिख रहा बहुत बढ़िया पिके राजा टैगलाइन 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 लाइन एच डी एफ सी हम हैं ना ख्याल आपका नहीं है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड बहुत बढ़िया हर शर्मा वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड अ स्ट्रगल इन इंग्लिश ये बी वी आई क्वेश्चन नोट कर लीजिए आपको बताना है कि उस ऑथर का नाम ठीक है जिसका बुक है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड अ स्ट्रगल इन इंग्लिश चलिए अंडरस्टूड नहीं अंडरस्टैंड चलिए जल्दी से आंसर दीजिए पप्पू डी ई है चलिए इसका आंसर क्या है इम्तियाज अहमद ठीक है याद रखिएगा इम्तियाज अहमद का है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इन इंग्लिश मीडियम में ये बुक है याद रखिएगा इसको ंग दोइ हैज बीन नेम एज द आई सी सी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये तो बहुत वर्क करवा चुके हैं जल्द से बताइए चंद्र अश्विन को मिला इंडियन के बॉलर हैं अश्विन बॉलिंग करते हैं चलिए अगला है नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया उज्बेकिस्तान रिसेंटली ठीक है रानी खेत उत्तराखंड में हुआ था क्या नाम है उसका दिस्टिक सपारा ठीक है क्या आंसर होगा इसका जन्स डंस्टलिक टू ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है ये ठीक है अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक हैज लॉन्च अ रेंज ऑफ बियरेबल कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट डिवाइस अंडर द ब्रांड बियर एन पे ठीक है जल्दी से बताइए कौन सा बैंक है लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ठीक है एक्सिस बैंक याद रखिएगा एन पे हु द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया ठीक है जल्दी से बताइए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अभी एमडीसीओ कौन बने हैं ऑप्शन है आपका डी 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 सबका डी आ रहा है आंसर क्या है इसका पल्लव महापात्रा बने हैं एमडीसीओ किसके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अगला ऑप्शन है उस ऐप मोबाइल ऐप का नाम बताना है जो हेल्प करेगा फैसिलिटेट करेगा वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द कंट्री तो वन नेशन वन राशन कार्ड है उसके लिए एक ऐप बनाया गया है उसका नाम क्या है मेरा राशन ठीक है क्या है इसका मेरा राशन बिल्कुल सही जवाब है अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि विच स्टेट रिसेंटली बिगेन इट्स फेमस सनलिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर किस राज्य में मनाया जाता है मेरा राशन चलिए सही है वो जल्दी से बताइए कि किस राज्य में ये बहुत ये फेमस इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला है किस राज्य में मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर जल्दी से बताइए सीएम हम, हम बता देते हैं जयराम रमेश सॉरी जयराम ठाकुर है दोनों का नाम सेम है तो कभी कभी कन्फ्यूज कर जाता है जयराम ठाकुर गवर्नर बताइए लोग जल्द अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है आपके पास ऑप्शन है जल्दी से बताइए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बी आई है अगर डेट से मार्च से पूछेगा तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे ठीक है इंपॉर्टेंट है दत् बंगारू दत्तात्रेय बहुत बढ़िया चौदह मार्च पंद्रह मार्च बारह मार्च भी आ रहा है क्या आंसर होगा कंज्यूमर राइट्स पंद्रह मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिमूव प्रोम इट्स इन्हैंस रेगुलेटरी सुपरविजन ऑफ प्रोमड करेक्टिव एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाया था आई डी बी आई बैंक पे ठीक है आई डी बी आई बैंक पे क्या लगाया था पी सी ए लगाया था पी सी ए प्रोम करेक्टिव एक्शन ठीक है उसको रिमूव कर लिया है क्लियर है अगला है इंडिया हैज़ रिसेंटली सरपास विच कंट्री बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन वर्ल्ड भारत तो किस कंपनी को पीछे छोड़ के फॉरेन रिजर्व मामले में फोर्थ पोजीशन पे आ गया ठीक है फोर्थ पोजीशन पे रसिया जापान भी आ रहा है रसिया भी आंसर आ रहा है तो ये है कौन सबका क्या आ रहा है लाइसेंस कैंसिल करेगा अच्छा रसिया है ठीक है रसिया को छोड़ के भारत आ गया फोर्थ पे इंडिया द नेशनल वैक्सीनेशन नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है हर साल किस तारीख को सर एग्जाम टाइम में एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते अभी बताएं कुमकुम कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश चेंज कर लिए तो बाकी सारा क्वेश्चन इंग्लिश खुलेगा लेकिन हर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ लैंग्वेज चेंज करने के लिए एक ऑप्शन होगा तो वो हर क्वेश्चन में आप चेंज कर सकते हैं इंग्लिश को हिंदी या हिंदी को इंग्लिश लेकिन ये आपका अगले जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज आपने चुना है डिफॉल्ट में तो आपका सब पेपर इंग्लिश में खुलेगा लेकिन आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में करना तो यहाँ हिंदी कर सकते हैं लेकिन जैसे ही नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में जाइएगा तो फिर ये इंग्लिश हो जाएगा यानी हर क्वेश्चन को हिंदी में देखने के लिए आपको चेंज करना होगा इसलिए डिफॉल्ट लैंग्वेज उसी हिसाब से चूज करें तो कौन सा ये होगा इसका आंसर वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है ये सोलह मार्च को मनाया जाता है अगला नेम ऑफ द्रिवनानस रीड एडेशीचर री, लॉन्च बाई एन पी सी आई भीम ऑन भीम ऐप भीम ऐप पे एक न्यू ग्रिवानांस फीचर लॉन्च किया गया है एन के द्वारा तो उसका क्या नाम है ये आपको हेल्प करने के लिए जनरली होता है ग्रिवनांस जो फीचर दिया जाता है सब जगह होता है ये ऑटोमेटिक जो कॉलिंग सिस्टम होता है ना मैं क्या आपको हेल्प कर सकता हूँ ये इसी को ग्रिवणान सिस्टम बोलता है यूपीआई हेल्प नाम है उसका यूपीआई हेल्प अगला है विच विच ऑफ द वन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रैमी अवार्ड दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है ग्रैम पूछा ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है दूसरा है किसको मिला वेस्ट जो एल्बम कायवाड है किसको मिला तो ये मिला है आपका ये क्या नाम है इसका हाँ फ, आ, फोल्क लोर ठीक है फोल्क लोर अगला क्वेश्चन है आपको थीम बताना है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का जल्दी से बताइए सेशन को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा सेवेंटी परसेंट जो व्यूअर है यूट्यूब चैनल पे वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बताइए तीस परसेंट ही लोग सब्सक्राइब किए हैं अभी यूट्यूब हमको बता रहा है ये बात तो इतना तो बनता है सब्सक्राइब कर लेना क्या बोलते हो राहुल सब्सक्राइब तो करना चाहिए इसका क्या आंसर होगा वाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर डे इसका थीम क्या होगा ट्रैकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ठीक है ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ विच फुटबॉल टीम वन आई एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी वन टाइटल बाई बीटिंग ए टी के मोहन बगान तो आपको बताना है वो कौन फुटबॉल टीम है जो जीत गया है आई सी एल ट्वेंटी 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 वन टाइटल जीता है किसको हरा के मोहन बगान को हरा के तो कौन है मुंबई सिटी एफ सी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी याद रखना आप लोग को अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ पी एम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वो रिजाइन किए हैं तो क्या नाम था उनका पी के सिन्हा पी के सिन्हा रिजाइन किए हैं ठीक है प्रधानमंत्री के एडवाइजर प्रिंसिपल एडवाइजर थे अगला क्वेश्चन है कि सैमसंग इंडिया अभी ओपन किया है सैमसंग इनोवेशन लैब कहाँ किया है इसको जल्दी से बताइए यह किया है दिल्ली में ठीक है यूज का टाइम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्द फास्ट कर रहा हूँ हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इवर इन मैन क्रिकेट टू स्कोर थ्री थाउजेंड रन इन द ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशनल वो कौन सा फर्स्ट प्लेयर बन गया है मेन्स क्रिकेट में जो तीन हजार रन टी ट्वेंटी में बनाया है ठीक है जल्दी से बताइए विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली आ रहा चलिए तो यह है विराट कोहली याद रहेगा आप लोग को वाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यू एन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक पूछा जा रहा पहला क्वेश्चन तो यह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल कितना कंट्री भाग लिया 149 कंट्री उसमें भारत का रैंक कितना है यह दूसरा क्वेश्चन है 121 आ रहा है एक भी आ रहा है एक भी आ रहा है तो क्या होगा एक ठीक है अगला है कि विच स्टेट हैज लॉन्च द समर कैंपियन टू ट्रेकल माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट ठीक है समर समर कैंपियन हाँ उस राज्य का नाम बताइए जिसने अभी लॉन्च किया है समर कैंपियन टू ट्रेकल करेगा क्या करेगा माल न्यूट्रिशन को अपने राज्य में तो वो कौन है तो वो है आपका झारखंड हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू ठीक है याद रखिएगा, सीएम एम गवर्नर बता दिए आपको बताना वेन द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है यह बहुत कम लोग को पता होगा यह मनाया जाता है मार्च 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट ग्राम उजाला स्कीम हैज बिन लॉन्च फॉर पुअर हाउस होल्ड टू गेट एलईडी बल्ब ऑफ आर एस टेन आपको उस राज्य के नाम राज्य का नाम बताना जहाँ ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च किया गया है किसके लिए पुअर हाउस होल्ड के लिए किस लिए तो वो दस रुपया में एल खरीद सकता है कौन सा राज्य है बताइए जल्दी बिहार 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 बिल्कुल सही बिहार है स्टार्टिंग आराम में हो रहा वो भी बिल्कुल सही है आप लोग का इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे ठीक है बताइए वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का चलिए इसका क्या थीम है इसका थीम है वेलुइंग वाटर ठीक है पानी का आप उसका वैल्यू दें ठीक है उसका जो जहाँ था खोल के छोड़ देते हैं उसी के लिए थीम बनाया गया है तो फाइनली हमारा फिफ्टी क्वेश्चन ख़त्म हुआ मार्च का इसमें से कुछ क्वेश्चन और है पच्चीस क्वेश्चन कम से कम और है जो इम्पोर्टेंट है तो एक सेशन लास्ट में ये सात आठ तारीख को हम उस उसमें ये पच्चीस क्वेश्चन और कर देंगे बाकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम छाट लिए तो 25 क्वेश्चन और है जो मार्च का बचा हुआ है तो 50 क्वेश्चन का और सेट हम बना देंगे लेकिन कल हम पहले ये करेंगे आप लोग का जो शेड्यूल है कल का पहले हम लोग को जनवरी शुरू किए तो फरवरी का फिफ्टी कर देंगे फिर दिसंबर का फिफ्टी कर देंगे फिर आएंगे मार्च पे मार्च का जो पचास बचेगा वो कर देंगे ठीक है संडे को तो मैराथन होगा ही जी का देखिए कितना घंटा चलता पूरा जीए उसमें ख़त्म करेंगे जो कुछ नहीं पढ़ा है वो सेशन कर ले ठीक है जो कुछ नहीं पढ़ा है वो सेशन कर ले इसका पी डी क्यूज के बाद देंगे ठीक है रोशन राजन जीके का ही बता रहे हैं जो कुछ नहीं करा है वो संडे का जीके माराथन देख ले बस ठीक है तो आज का सेशन में थे क्यूज का टाइम हो गया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पी डी एफ सेंड पी डी एफ ग्रुप में है ठीक है चलिए